मैं समझता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं देखिए आपको एक ऐसा काम दिखाने जा रहा हूँ जो हम घर में बैठ करके काम करते रहते हैं, और आपको भी सबको शायद ही पता होगा कि मैं घर पे क्या काम करता हूँ, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या बनाता हूँ और कौन कौन हम लोग बनाते हैं और घर में कैसे बनाते हैं, आखिर कितना बनाते हैं और कब कब बनाते हैं, वो सारा सामान आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। आखिर कैसे हम लोग उस चीज़ को बनाते हैं, कहने बाहर से माल लाते हैं और घर में असेंबलिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो दिखाते हैं दोस्तों, ये देखो डिफ्यूज़र है, ये डिफ्यूज़र है, ये बल्ब का डिफ्यूज़र है, ये पड़ा है, और इसके अंदर ये भी डिफ्यूज़र है, ये बॉडी पड़ी है, ये बॉडियाँ पड़ी हैं, आपको दिखाना चाहूँगा मैं इस बॉडी को फाड़ के, इसके अंदर ये बॉडी है, आखिर किस चीज़ की बॉडी है आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, और ये चीज़ ये इसी में लगती है, ये चीज़ दिखाता हूँ अभी, ये मेरा माल पड़ा हुआ है। और ये देखिए इस जगह हम लोग ना टाँके लगाते हैं, टाँके लगाता हूँ बैठ करके, ये मेरा आयरन रखा हुआ है और ये सोल्डिंग वायर पड़ी हुई है, ये मेरा चश्मा पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये क्या है, ये सोल्डर है, क्या पेस्ट जो बोलते हैं, पेस्ट और सोल्डर सारा इकट्ठे रखा हुआ है, यहीं बैठ करके मैं टाँके लगाता रहता हूँ इस पर रख करके, ठीक है, आप लोग देख ही रहे हैं। अब दिखाता हूँ, अभी तो टाँके काम मैंने बंद कर दिया क्योंकि माल अब मेरा अर्जेंट का जाना था, इसकी वजह से मैं अभी काम बंद करके माल पैकिंग कर रहा हूँ। अब चलो दिखाता हूँ आगे माल कैसे पैकिंग करते हैं हम लोग, आखिर कितना कितना एक बोरी में डालते हैं। अच्छा अब देखो ये चीज़ क्या बन रहा है, ये चीज़ क्या बन रहा है, और एक चीज़ सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, सबसे बड़ी बात खुशी वाली बात, आप लोग बहुत खुश हो जाओगे देखकर, इंटरेस्टिंग वाली, आखिर ये देखो नई नई दुल्हनियाँ कौन बैठी है भैया, इनको शायद आप पहचानते होगे, ये दुल्हन घूंघट करके बैठी है, आगे आगे घूंघट नहीं उठाएंगे तो भाई हम ऐसे ही से कैमरा कर देंगे, अब ऐसे से दिखाना चालू कर भाई घूंघट रहो। ये देखो ये बैठ करके ये बना रही हैं भाई, ये दुल्हनिया है, दुल्हनिया आखिर कह की दुल्हनिया, हमार दुल्हनिया ही भाई यही। देखो ये कैसे बना रही है, कैसे कैसे बना रहे हो इसको, लगाते, ये देखो ये बल्ब तैयार हो गया, ये बल्ब तैयार, इसको टाँके वाँके हमने लगाए हैं, टाँके लगा करके ऐसे कर देते हैं, इसके बाद ये डिफ्यूजर लगा करके बल्ब तैयार, होल्डर में लगा दो, होल्डर में लगा दो जल जाएगा। अब देखो ये बल्ब पड़े हुए हैं, ये हम लोग कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करके ये 100-100 पीस की, ये 100-100 पीस का पैकिंग कर देते हैं, एक पैकिंग में पन्ने में 100 पीस होते हैं, और इसी तरीके करके हम बल्ब इकट्ठे करते हैं। और कैप दिखाऊं, ये कैप की पेटी पड़ी है, अरे खुल जा भैया, ये कैप की पेटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आता है हमारा ये कैप, ये 2000 की पेटी होती है, आखिर मैं दिखाता हूँ आपको सारा, इसको फाड़ी देता हूँ ना, ये देखो ये 2000 एक कार्टून में ना 2000 होते हैं, 2000 का कार्टून आता है एक, हैं गिरा देता हूँ अभी, और देखो ये सारा माल पड़ा है और कुछ तो बोरियों में पैक है, ये देखो ये कैप है सारी, ये नीचे गिरा दिए, अभी हम इसको ना फिर बॉडी में लगाएंगे, ये सारी इकट्ठी हो गई ना, 2000 पीस है, अभी इसको बॉडी में लगाएंगे, ये मैडम फंसा दे जाएंगे, मैं इसको पैक, और ये रही मशीन, इससे आखिर कैसे पंचिंग करते हैं इनको दिखा देना सभी दोस्तों को हमारे, सब लोग देख लेंगे आखिर, ये देखिए ये ऐसे इसको कैप लगा देंगे, इसमें ये फंस गया, ठीक है, उसके बाद इस मशीन में इसको इसको ऐसे इसको फंसाएंगे, जल्दी करो फटाफट, इतना टाइम नहीं लगाते कभी, ये और पंचिंग हो गया, अब नहीं निकलेगा, ये देख रहे हो आप, ये पूरा काम मटेरियल तैयार, ठीक है, अब इसी तरीके से ये माल है, और ये बोरियों में माल पैक पड़ा हुआ है, ये बोरियों में माल ये जाता है इस तरीके से, ये देख रहे हो आप सारे बोरियों माल पड़ा हुआ है, ये इस एक बोरी में 500 पीस होता है, इसी तरीके ये माल तैयार रहता है, ठीक है। अब भाई हम यही काम करते रहते हैं घर पे अपने बैठ के, बाकी माल पड़ा है आप लोग देख ही रहे हो ये सारा, लोग बताइए भाई कमेंट करके बताना आप लोग आखिर हमारे काम कैसा है कैसा नहीं है, आप लोग देख करके बताइए आखिर काम हम आगे बढ़ा पाएंगे कि नहीं बढ़ा पाएंगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, किसको किसको समझ में आया ये काम हमारा, क्योंकि हम तो लाइव में भी दिखाते हैं जब लाइव बैठते हैं,
हम सोचे एक चलो ब्लॉग बना के दिखाते हैं भाई लोगों को, बहनों लोगों को, सब लोगों को कि समझ में आया है कि नहीं आया है। सब लोग कमेंट करके बताना इसमें किसको किसको समझ में आया है। बाकी मेरे पीछे भी देख रहे हो पड़ा हुआ है, हम लोग यही घर में बैठ कर करते रहते हैं, नहीं कहीं जाते हैं भाई, किसी घर जाने से क्या फ़ायदा, अपना जो भी थोड़ा बहुत काम है अपना घर में बैठ करके करते रहते हैं इसी को काम को। बाकी अब देखिए सारा कुछ दिखाया मैंने आपको, कोशिश की सारा कुछ दिखाने का, बाकी जो भी है आप समझदार हो खुद ही बता सकते हो जैसा भी है, लेकिन कमेंट करके आप लोग कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। अगर किसी को आपको मटेरियल चाहिए या बल्ब चाहिए तो भी बता देना, आप लोगों को हम पहुंचा देंगे, जहां कहोगे हिंदुस्तान के उस कोने में पहुंचाएंगे, लेकिन किराया आपका होगा। ठीक है, ओके, बाय बाय सभी दोस्तों को। सभी लोगों को राम राम, बाय बाय सभी लोगों को, दोनों हाथे से बाय बाय बोल रही हूं। बाय 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 बाय।